हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गाने दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हमने आज लियो का 21st को बर्थडे है। आज 20 तारीख है, कल बर्थडे है लियो का। तो आज हम लियो की शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि लियो के लिए क्या लाते हैं, कौन से दुकान से हम इसकी शॉपिंग करते हैं और वहाँ क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए लियो, लेकिन इसको बदमाश को शायद नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये वहाँ ये बहुत नोटोरियस है। आप लोग भी अगर बीगल लेते हैं ना तो ध्यान दें, बड़ा नोटी है। हमें तो बहुत प्यारा लगता है इसकी बदमाशियाँ, लेकिन ये दुकान में नहीं जा सकता जैसे दूसरे डॉग्स जाते हैं। इतनी बदमाशी करता है दुकान में जाके और इतना भौंकता है, बहुत ही ज़्यादा भौंकता है चीज़ों पर ऐसे देख देख के। और कोई दूसरा डॉग दिख जाए तो उसको तो सोचता है खा जाऊं बस मैं, तो इसलिए इसको नहीं लेके जाएंगे। ये बेइज्जती करता है वहां पे हमारी, तो हम ही जा रहे हैं इसके लिए लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या लेके आते हैं। पैक करना तो करना आता है। तो अब देखिए हम गाड़ी में जा रहे हैं लेने के लिए। लियो को हमने नहीं लिया है और दिया गाड़ी चला रही है। दिया ने अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी है। हेलो, हाय। पापा के साथ बैठ के चलाती है, बड़ा डांटते हैं ये इसको। अभी ये सीख रही है चलाना। तो चलिए अब दुकान पे चल के करते हैं आपसे बात। देखिए रास्ते में दुकान पे जा रहे हैं हम लोग। ये हमारे जयपुर की है, जगतपुरा रोड, और ये शॉप पे आ गए हैं। इसी शॉप से हम लियो के टॉयज़ वगैरह लेते हैं ज़्यादातर, हमारे एरिया में है तो। और आज भी यहीं से देखते हैं कुछ लेने के लिए। वैसे इसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, ग्रेवीज़ भी पड़ी हैं, इसका फूड भी अभी हम लेके गए थे, और कैल्शियम बोन्स भी हैं, और टॉयज़ तो इसके पास बहुत हैं। दिया को ना इतना शौक है, ये यहाँ हमारे रास्ते में पड़ती है ये शॉप, तो जब भी वो यहाँ से निकलती है टॉयज़ बड़े लेती है इसके लिए। बॉल्स वगैरह बिखेरे रखता है ये सारे घर में, जैसे छोटे बच्चे भी खेलते हैं ना। तो आज देखें क्या लेते हैं। ये सारे इनके शैम्पू वगैरह, ये देखिए यहाँ पे इनके एक ना कैट भी है छोटी सी, ये देखिए ये कैट, छोटी सी कैट, ये देखिए छुटकू कैट। ये ना ये कैट 2 साल की है, अच्छा नहीं 8-9 महीने की है ये, और ऐसी कोजी कोजी सी है। पता क्या है, लियो तो गोदी में आता ही नहीं है और ये इतनी कोजी कोजी सी है, ये बिल्कुल चिपक के एक साथ लग के बैठी रहती है इसको आप उठाते हो तो। कैट भी अच्छी लगती हैं, लेकिन कैट्स क्या हैं कि अकेलापन चाहती हैं, और डॉग्स जो हैं वो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए डॉग्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं। और उनमें भी हमारा लियो सबसे क्यूट बच्चा है। और ये देखिए कितनी वैरायटीज़ हैं इनके पास, बहुत वैरायटी हैं ग्रेवी की और स्नैक्स की, बहुत वैरायटीज़ हैं इनके यहाँ। ये देखिए, ये मेरा कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस इसका बर्थडे की चीज़ें लेने आई हूँ और मैं यहाँ से लेती हूँ। बहुत सी शॉप्स हैं जयपुर में, हमें ये अच्छी लगती है, हमारे पास में है। ये देखिए ये बॉल भी बड़ी प्यारी है। अब देखते हैं क्या लेते हैं, क्या पसंद आता है दिया को। बहुत खिलौने हैं इनके पास। ये देखिए, ये देखिए लियो के सारे खिलौने यहीं के हैं। ब्रश भी है इनके पास, ये देखिए ये टूथब्रश है इसका, ये इसका टूथब्रश है। बहुत तरह के खिलौने हैं इनके पास, ये बोन्स हैं तरह तरह की। ये वाली शायद मैं लूँ मल्टी, ये वाला ये महंगा है थोड़ा, लेकिन लियो को क्या है कि ये रात को बदमाशी ज़्यादा करता है तो इसको बैठ के चबाता रहेगा, इस तरह की चीज़ों को ना ये चबाना बहुत पसंद करता है, तो मैं ये एक शायद लेने वाली हूँ। महंगा तो ये है शायद 975 का है शायद, ये बहुत महंगा है। ये देखिए इनकी सारी दवाइयाँ भी हैं, शैम्पू यहाँ से लेके जाती हूँ मैं इसके लिए, और फूड भी यहीं से ले लेती हूँ।
देखिए पिज़्ज़ा, शायद पिज़्ज़ा भी लूँ मैं। अच्छा ये बिस्किट्स नहीं खाता लियो, ये डॉग बिस्किट्स इसने कभी नहीं खाए। एक शायद मुझे मेरा मन कर रहा है वो भी ले लेते हैं। ये देखिए ये हार्नेस कितनी प्यारी है, लेकिन ये ना सर्दियों के लिए है और ये तो काट के ही खा जाएगा लियो तो। थोड़ा कपड़े की है ये, बाकी सुंदर बड़ी है फर वाली, छोटे डॉग्स के लिए बहुत अच्छी है ये। और ये लीश की भी बहुत वैरायटी है, देखिए कई तरह की लीश है। एक ये लीश आती है कि इससे डॉग जो है ना दूर जाकर जितना ही 5-10 मीटर की होती है दूर जाकर अपना खेलता रहे, ताकि वो लीश से बंधा भी रहे और फ्रीली खेलता भी रहे। जैसे हमारा मेजरिंग टेप होता है ना कुछ कुछ वैसा। ये देखिए ये कैसे बैठी हुई है, बस ये लियो घर पे। इसको लेके नहीं गए थे बदमाश को, नहीं तो उधम मचाता दुकान पे। ये देखिए अभी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ जाके आए हैं, क्या लेके आए हैं, अभी इसको पता नहीं चल रहा। जैसे सोच रहा है कि अब सूंघेगा कि क्या कर रहे हैं ये। ये रहा इसका सामान सारा। अब इसको शायद थोड़ा थोड़ा ना समझ आ रहा है लियो को कि अब क्या सामान आया है मेरा। अब देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। ये देखिए ये इसकी बो लेके आए हैं, क्योंकि अभी ना टी शर्ट वगैरह तो अभी हमने लिया नहीं, क्योंकि टी शर्ट का इस टाइम मौसम नहीं है। और रेन कोट इसके पास ऑलरेडी है बरसात में। ये देखिए अब इसको पॉलीथीन में से निकली है ना, अब इसको खुशबू आई है कि मेरा सामान आया है। ये चिकन पुलाव है इसका। ये क्या है, इससे इन्हीं से लेते हैं ना हम हमेशा, सारा सामान लियो का इन्हीं से लेते हैं। तो इन्होंने लियो को बर्थडे गिफ्ट दिया है ये चिकन पुलाव। और ये देखिए ये इसका खिलौना है, ये सबसे महंगा खिलौना है टी शर्ट के रेट में समझ लो आप। और ये वाली बॉल भी लेके आई हूँ, ये झुनझुना टाइप है, अंदर इसके झुनझुना सा बोलता है। और खिलौने इतने ज़्यादा हैं इसके, ये पुलाव लेके आए हैं, सॉरी ये पिज़्ज़ा है। और इसकी इतनी सी चीज़ें हैं ना, ये 1900 की आई हैं, जिसमें कि ये जो इसका पुलाव है वो उन्होंने दिया है अपने परमानेंट कस्टमर को गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट। बाकी ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये इसकी 1900 रुपये की आई हैं। और अब इसको देखो, इसको खुशबू आ रही है अपनी चीज़ों की। और ये कैसे इसको खिलौने से खेलना है, देखो 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 कैसे कोशिश कर रहा है। ये देखो इसको, ये देखो, देखना इसके हाथ में ही नहीं आ रहा ये, क्योंकि ये ना इसके ऊपर ग्लास के ऊपर फिसले जा रही है ये बॉल। और क्या अभी नहीं है ना, तो इसको ग्रिप नहीं समझ आ रही है उसकी कि कैसे लूँ। थोड़ा सा आगे करती हूँ, देखो फिर इसको और चलाक देखो इसको। ये देखो टैग से पकड़ के उसको नीचे गिराया है इसने। ये देखो ये देखो, अभी इसको ना पकड़ने नहीं आ रही। और इसके अंदर ना झुनझुनो जैसी आवाज़ आती है, उससे ये थोड़ा सा ना ऐसे डर जाता है जब वो उसको चलाता है तो। देखो देखो इसको पकड़ने, ऐसे आवाज़ से ना थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि इसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं। आज लियो का हैप्पी वाला बर्थडे है। लियो सुबह सुबह उठ के सुस्ता रहा है अपने बेड पे। इसके बेड पे ना आजकल कंबल रखना पड़ता है, रात को एसी में ठंड लगती है ज़्यादा ना, तो इनको डॉग्स को क्या है ऊपर लेना नहीं पसंद, नीचे बिछाना। अब ये देखिए मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं लियो जी। हाँ लियो वेट कर रहा है कि चलो। इसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबह शाम दोनों टाइम वॉकिंग लियो को बहुत पसंद है।
थोड़ी सी ना उठता है, स्ट्रेचिंग करता है। अब ये जा रहा है, आज तो ये यूं ही जा रहा है। बारिश अभी एट प्रेजेंट नहीं हो रही है, नहीं तो कल तो ये ना रेनकोट पहन के गया था। बारिश हुई हुई है और अब आ गया है ये घूम के। तो फिर ये देखिए, इसका खाना, इसमें सारा सामान पड़ा रहता है, इसका रॉयल कैनियन, इसकी दवाइयाँ, जो कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट्स हैं। तो अब इसका क्योंकि बर्थडे है तो दिया सोच रही है कि क्या दें। तो अब हमने सोचा है इसको आके पहले अब ये चिकन पुलाव देते हैं। अब इसको ये चिकन पुलाव दे देते हैं। ये ग्रेवी देखो कैसे दे, इसको अपनी, इनको ना अपनी चीज़ों की खुशबू पता चल जाती है। देखो कैसे बैठा है, सुबह सुबह घूम के आके बड़ी एनर्जी आती है इसमें। और अब ये ग्रेवी इसको दे रहे हैं, मतलब चिकन पुलाव दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग नॉन वेज नहीं खाते ना, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। इसका केक मिक्स भी मिल रहा था चिकन वाला, तो दिया ने कहा कि वो बेक करना पड़ेगा माइक्रोवेव में, तो फिर वो नहीं लेके आए हम। तो ये अपने घर में केक बनाएगी, कोकोनट ऑयल, बटर, पीनट बटर वगैरह से, आटे से, और थोड़ा सा सूजी डाल के ये बनाएगी। अभी इतनी सी ग्रेवी से इसका पेट तो भरेगा नहीं, तो इसको रॉयल कैनियन भी साथ में देना पड़ेगा। देखो देखो कैसे चट करके खा रहे हैं। ये लियो का केक बना रही है दिया, पीनट बटर डाला है इसमें, हनी डाला है, और आटा डाल के, और थोड़ा सा इसमें दूध डाल के, और बना रही है दिया केक। अब क्या केक टिन तो पता नहीं कहाँ, ठीक है, पतीले में बना दिया कन्वेक्शन मोड पे, लेकिन फिर भी ये केक बड़ा अच्छा बना है। पर पता है हमसे एक गलती हो गई, मेरे को शूटिंग की आदत नहीं है, और दिया लियो से केक कटवा रही थी, तो इसने मुझे कहा कि आप ना शूट करो, तो मेरे से शूट ही नहीं हुआ वो। अब मीनवाइल जब तक केक बन रहा है, इसको भूख बहुत तेज लग रही है। तो अब ये पिज़्ज़ा देखिए, देखो कैसे मर रहा है पिज़्ज़ा खाने के लिए। ओहो देखो, तो हम, ये इसका पिज़्ज़ा भी 500 का आया है, पता है आपको, हम लोग 550 का, हमारे पिज़्ज़ा से कम नहीं है इनका भी पिज़्ज़ा। अब देखो इसको एक स्लाइस दे के देखते हैं पहले, और ये ना एक स्लाइस खाता है ऐसे। देखो देखो देखो, जान निकल रही है इसकी, भूखा भुक्खड़ के इनका लियो भुक्खड़ बच्चा हो गया है ना। और मिठाई, गुड़, पता नहीं क्या क्या चाहिए, जब जो चीज़ें मना है ना, उन सब चीज़ों के लिए बस इसको। ये देखो दूर दूसरी जगह ले जाके खाए, खिलौने देख रहे हैं आप कैसे बिखेरे हुए हैं। इसकी टोकरी है, हमेशा बिखेरे रखता है, आप समेट दोगे 10 मिनट जाके फिर उलट देता है उस टोकरी को। देखो सारे घर में खिलौने बिखेर के रखता है। अब ये देखो अंधेरे में ले जाके चुपचाप अपना, ये देखो लाइट जलाई, चुपचाप खा रहा है वहाँ पे बैठ के इस मैट पे। खा के बस फटाफट फटाफट, देखो 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 इसको कितने मज़े आ रहे हैं। अब ये दोबारा आ गए हैं, और चाहिए इसको। अभी थोड़ी देर पहले ना इसका ढक्कन खुद ही खोल रहा था। ये ना ज़्यादा बदमाश और नोटोरियस होता जा रहा है, जैसे बीगल्स कहते हैं ना, शैतान होते हैं, नोटी हो गया है ये बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बड़ी बदमाशी करता है ये। देखो अब ये बैठ गया, इसको हम बिठा के देते हैं ना, लेट गया कि खुश हो के मेरे को दे देंगे, डाउन लाई डाउन हो गया मैं। अब देख रहा है कि भी मेरे को ना, ये देखो ये भागा लेके फिर से। अब ये देखिए इसका केक बन रहा है, और इसको किसने बताया है कि इसका केक है, पता नहीं इसको कहाँ से है, बस इसको सब पता है, जो अपनी समझ की सारी बातें पता है कि ये मेरा। ये देखो कितना अच्छा केक बना है, ये ह्यूमन बींग्स भी खा सकते हैं ये केक, ऐसा नहीं है, बनाया इसके लिए, पूरा वेजिटेरियन है। और देखो इसको पता है कि ये केक मेरे लिए बना है, बताओ। बस वो ना मेरे से ना, मुझे शूटिंग इतनी करनी आती नहीं है, अभी तक दिया ही करती है। तो आज दिया ने कहा कि मैं कटिंग कराती हूँ, आप शूट करो, और मैंने कोई शूट वूट नहीं करी, पता नहीं क्या बटन दबा दिया, और अपनी तरफ से मैंने इसका केक कटिंग, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सब मेरे से
पता नहीं शूट ही नहीं हुआ, दिया ने मेरे को बड़ा डांटा है बाद में। अब देखिए इसको तैयार करते हैं केक कटिंग के लिए, ये बो लाए हैं इसके लिए, बो पहनाते हैं। अब इसको ये पहना देते हैं, वो पहना देते हैं इसको, और इसके साथ पता है कॉलर भी है, कॉलर और वो दोनों जुड़े हुए हैं ये। अगर ये रेड कलर का होता ना तो ये और भी अच्छा लगता है। देखो कैसे जेंटलमैन लग रहा है ना, लियो शैतान जेंटलमैन। ये बहुत बदमाश हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा। ये देखो अपने मतलब का सारा काम समझ भी आता है इसको, और वैसे ना कहना नहीं मानता, जैसे बीगल्स जो है ना, ये जब आपका कहना मानना है ना उसी टाइम मानते हैं, नहीं तो ना बुद्धू जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहता है। और वैसे इसको सब पता है कि जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मुझे जाना है और मेरी चीज़ बन रही है। किचन में दाल बनती है, एक सीटी बजती है, सोया हुआ उठ के जाके बैठ जाता है, एकदम गर्म दाल खाता है, सड़ती सड़ती जीभ जल जाए इतनी गर्म दाल खाता है ये। का फेवरेट फूड है दाल। अब ये इसका टॉय इसको दे देते हैं, टॉय ले रहा है ये इसलिए लाई थी, ये चबाता रहेगा रात को, बहुत बदमाशी करता है तो ना पास में बैठ के इस टाइप के टॉयज को ये चबाता है ना, बड़ा महंगा है इसका ये 975। मैं शायद दोबारा बता रही हूँ सॉरी। और ये इसलिए है कि बस अब इसको ये चबाता रहेगा बैठा हुआ, और ये इस टाइम भी चबा रहा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो रात को हमारे चैन रहेगा हमको, नहीं तो बैठ के टीवी भी नहीं देखने देता ये ढंग से। और ये थोड़ा सा ऐसे भी है कि हम इससे वो टग ऑफ वॉर भी खेल लेगा ये इससे। अभी इसको क्या पकड़ना नहीं आ रहा, थोड़ी देर में अभी नया है ना सीखेगा इसको। अच्छा आज हम दिन में ना इसके लिए डॉग कैफ़े भी गए थे, दिया कह रही इसको डॉग कैफ़े में लेके जाएंगे, इसका वहाँ से केक लाएंगे और इसको कुछ खिला के लाएंगे वहाँ पे। लेकिन हमें राजा पार्क में हम इतना घूमे, हमें वो जहाँ पे वो गूगल दिखा रहा था वहाँ से हमें मिला ही नहीं इसका कैफ़े, उल्टा दिया इसके पीछे एक दो कुत्ते और पड़ गए, बचा के हम भागे वहाँ से। ये केक बना लिया देखो इसका, अब इसको देखो वो भी आइसिंग इसके ऊपर वो भी कर लिया डेकोरेशन, पीनट बटर में हनी मिला के दिया ने इसके ऊपर। अब देखो इसको पता है कि ये मेरा है, अब बस इसके बाद के ना मेरे से बस, अब मुझे ना अब दिया और सब ये कॉलेज जाएगी तो मेरे को सीखना पड़ेगा। अब तक तो दिया बनाती रही है वीडियोस, अब मेरे को खुद बनानी पड़ेंगी अपनी। देखिए अब क्या है, इसको ग्लास के ऊपर बिठाया ना, थोड़ा सा डरता है ये केक, बस कटिंग वाला पोर्शन निकल गया, इतना अच्छा था बर्थडे सॉन्ग और वो, मेरे से बहुत गलती हो गई। अब देखो ये केक खा रहा है, इतने शौक से खा रहा है इस केक को ये, देखो देखो कैसे चाट चाट के खा रहा है। अब ये इसके लिए बाकी का केक इसको अब दे देते हैं इसको इसको कैसे छोटे बच्चे जैसे मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। आज एक्चुअली हम लोग वहाँ जाने डॉग कैफ़े जाने के चक्कर में ना सजावट वगैरह भी नहीं कर सके, हम बहुत देर उस कैफ़े को ढूंढते रहे, फिर शाम को हम लेट घर आए तो हम थक गए बहुत। आज का दिन हमारा ना डॉग कैफ़े के कारण बहुत वेस्ट हुआ है, और उनका फ़ोन नंबर भी नहीं उठा रहे थे वो कैफ़े वाले, शायद उनकी दुकान वहाँ से जो कैफ़े है वो हट गया है। ये देखिए कैसे खा रहा है केक। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।